हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है बच्चों, नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन क्या है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों? फ्यूजन, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, FISION। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? इसे बोलते हैं फ्यूजन, FISION, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों? देखिए, मैं आसान भाषा में समझाता हूं बच्चों, ध्यान समझिए, मैं आसान भाषा में आपको समझा, ध्यान समझ सभी लोग। देखिए बच्चों, जो नाभिकीय विखंडन एक ऐसा प्रोसेस होता है, कैसी प्रक्रिया होती है, जिसमें कोई भारी नाभिक को ना कोई भारी नाभिक पर बमबारी करके उसको दो छोटे छोटे नाभिक में तोड़ देना। बात समझिए, कोई भारी नाभिक को पर बमबारी करके उसको दो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। अब इस प्रोसेस में बच्चों एकदम बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। फिर समझिए बच्चों, समझ लो। देखो बच्चों, मैंने इसके लिए एक डायग्राम पाया है, समझिए। ये ना आप देख रहे होंगे, यू होता है बच्चों यूरेनियम। यू क्या होता है आपको? यू का मतलब होता है यूरेनियम। यहां मैं लिख भी देता हूं, यूरेनियम। अब ध्यान समझ बच्चों, और ये 92 जो है, 92 उसे कहते, ये है परमाणु संख्या। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना है? 92। कितना होता है? 92। और ये है 235 है, 235 है ये परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। बच्चों देखिए, नीचे में होता है तो परमाणु संख्या, ये क्या हुआ? ऊपर में क्या हुआ? परमाणु द्रव्यमान। देखिए, ये इसका 235 भी होता है परमाणु द्रव्यमान, और 238 भी होता है, 235 और 238। ये संभारिक है। ये क्या है बच्चों? संभारिक। समझे ना? ये क्या है? संभारिक। समझे? समझे ना बात? ध्यान समझिए टॉपिक पे। देखिए बच्चों, देखिए तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो एक यूरेनियम है, भारी तत्व है। अब देखो इस पर बमबारी किया, न्यूट्रॉन का बम वर्षा किया, न्यूट्रॉन एन है ना, ये एन का वर्षा किया गया यहाँ पर, और ये एकदम ब्रेक डाउन किया। देखो टूट रहा है, यहाँ पे दो हो गया ऐसे करके, अचानक से ऐसे हो गया दो करके। एक चीज, एक भारी नाभिक का दो हल्के हल्के नाभिक में टूटना, इसे ही कहते हैं बच्चों, इसे ही कहते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन। फिर समझिए, यू क्या है? यूरेनियम। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 92। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 235 और 238। ये आइसोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटॉप्स। इसे बोलते हैं आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिए, 235 238 समझिए। और देखिए, ये यूरेनियम जो है, ये दो चीजों में क्या हुआ बच्चों? टूटा है। देखो यहाँ पे हल्का ब्रेकडाउन हुआ है ना, हल्का सा अलग हुआ है, और यहाँ पे आके देखो पूरा कंप्लीटली, ये देखो ये अलग और ये अलग। अब देखो बच्चों, ये जो KR है, KR कहते हैं क्रिप्टॉन, KR मतलब क्रिप्टॉन में टूट चुका है। अब क्रिप्टॉन KR मतलब इसकी परमाणु संख्या होती है 36, और इसका एटॉमिक मास 92। समझे? और ये अलग अलग भी हो सकता है। ये है BA मतलब बेरियम, BA मतलब बेरियम। इसका जो एटॉमिक समझिए बच्चों, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है, 36। आप जोड़ के देखिए, 36 56 जोड़ो, बोलो 6 6 12 5 3 8 और 9, 92 हो गया यहाँ पर। तो 92 टूट करके बन गया 36 और 56 में, बोलो 92 टूटा 36 और 56 में, 92 टूटा 36 और 56 टूटा ना, नहीं समझे बच्चों? 92 टूटा है 36 और 56। तो ये देखो, ये भारी नाभिक था, ये भारी नाभिक था ये वाला, और इस पर न्यूट्रॉन का बम वर्षा किया गया, और अचानक से इस पर टूटा दो भागों में, एक क्रिप्टॉन के रूप में, एक क्रिप्टॉन के रूप में, एक बेरियम। तो बेरियम का परमाणु संख्या याद करना, तो 56 और क्रिप्टॉन का 36। क्रिप्टॉन का पर एटॉमिक नंबर होता है 36, और बेरियम का 56, यूरेनियम का 92। यूरेनियम क्या होता है? 92। समझे बच्चों? देखिए समझिए, मैं फिर समझाता हूँ। कोई बोलेगा नाभिकीय विखंडन क्या है, बोलना बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। ऐसे सिंपल समझो, भारी चीज है उसका हल्का में टूटना,
भारी ही चीजों का हल्का में टूटना, इसको ध्यान रखना, इसी पॉइंट को परीक्षा में लिखना। अरे दो नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लिख देना और फिगर जरूर पढ़ना, समझे। तो बोलना नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भारी 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 नाभिक के कण, भारी मतलब जैसे यूरेनियम होता है भारी, थोरियम होता है भारी, यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम ये सब भारी होते हैं, ये सब क्या होते हैं भारी होते हैं बच्चों, यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम ये सब क्या होते हैं भारी। तो यहाँ पे यूरेनियम के तत्व हो सकते हैं, प्लूटोनियम के तत्व हो सकते हैं, थोरियम के तत्व हो सकते हैं, ये जा करके आगे पर इस पर बमबारी किया गया, देखो यहाँ पे एन है ना, एन है न्यूट्रॉन, इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी किया गया और ये हल्का टूट करके अलग, देखो यहाँ पुट दो अलग हो गया और बीच में निकला है एनर्जी, बीच में क्या निकला है, बीच में ऊर्जा निकल रहा है, बीच में क्या निकला है ऊर्जा, ये बीच में बच्चों आपको ऊर्जा निकला है, क्या निकला है ऊर्जा, हीट यहां से निकलता है। और इसका उपयोग बच्चों हम लोग सोलर भट्टी में करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ देगा ना नाभिकीय विखंडन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बोलना कि नाभिकीय विखंडन का उपयोग हम लोग सोलर भट्टी में, जो जो सोलर भट्टी होता है ना उसमें करते हैं, परमाणु सोलर भट्टी में भी करते हैं, सोलर भट्टी नहीं परमाणु भट्टी, किसमें परमाणु भट्टी, सोलर भट्टी तो ऑटोमेटिक सूर्य से आता है ना, जिसे अवतलपन होता है वो नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में और परमाणु भट्टी में इसका उपयोग करते हैं, समझे ना, भट्टी समझते ना, भट्टी खाना बनाने के लिए जो भट्टी होता है चूल्हा, भट्टी मतलब क्या, भट्टी मतलब चूल्हा, समझे बच्चों। तो परमाणु भट्टी में इसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, इस प्रक्रिया का नाभिकीय जो विखंडन होता है न्यूक्लियर फीजन इसका उपयोग करते हैं, समझ आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नाभिकीय विखंडन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भारी तत्व, भारी नाभिक के तत्व, ठीक है, भारी नाभिक, भारी नाभिक समझो, भारी नाभिक का पर बमबारी किया जाता है, क्या कहता है बमबारी, ताकि ये टूट जाए दो अलग अलग हल्के हल्के नाभिक में, हल्के हल्के नाभिक में, हल्के हल्के अणुओं में टूट जाए, क्या हो जाए टूट जाए, और इसके इससे निकले ऊर्जा, क्या निकले ऊर्जा, एनर्जी निकलेगा। जैसे देखो ना यहाँ पर यूरेनियम टूटा है ना क्रिप्टॉन में और बेरियम में, 36 और 56, और ये दोनों इसका एटॉमिक मास है 92-141, ठीक है 92-141 इसका एटॉमिक मास है बच्चों। तो यही प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन, समझे बात, इसको लिखना और फिगर जरूर पढ़ना, फिगर जरूर डायग्राम में पढ़ना, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लेना, तमाम चीज आपको याद करना, 92-141 ये भी याद कर जाना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। यही एक छोटा सा प्रयास था नाभिकीय विखंडन के रूप में, वैसे मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आधे घंटा का यह वीडियो होगा, डिटेल्ड में आपको समझाएंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये दो नंबर में आप समझ गए होंगे, दो नंबर लिखना है समझ जाओगे, ठीक है बच्चों, बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।